बात करेंगे बंगाल की राजनीति की। कांग्रेस और सीपीएम ने ममता दीदी की कौन सी अपील ठुकरा दी और क्यों ठुकरा दी, कैसे ममता बनर्जी को इससे नुकसान हो सकता है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस और सीपीआईएम को साथ आने का ऑफर दोनों ही दलों ने ठुकरा दिया है। जी हाँ, उनका कहना है कि राज्य में बीजेपी के उभरने के लिए उनकी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ममता ने बुधवार को विधानसभा में कहा था कि बीजेपी प्रदेश में समानांतर सरकार चलाने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस सीपीएम जैसी पार्टियों को भगवा पार्टी के खिलाफ संघर्ष में उनका साथ देना चाहिए। ममता की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान ने कहा, बीजेपी के खिलाफ संघर्ष के लिए हमें ममता से सीखने की जरूरत नहीं है, ये उनकी नीतियां ही हैं जिनके कारण बीजेपी की जमीन बंगाल में तैयार हुई है। पहले उन्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलतियों के कारण ही बीजेपी राज्य में मजबूत हुई है। वहीं सीपीएम विधायक दल के नेता सुजान चक्रवर्ती ने भी मन्नान के विचारों से सहमति जताई है। दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता की अपील से उनका डर दिख रहा है। इससे पहले ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि मुझे लगता है हम सबको एक साथ होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीतिक तौर पर हाथ मिला रहे हैं। इसे राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा दांव मारा जा रहा था। ममता के इस संकेत से साफ माना जा रहा था कि वो बीजेपी से मुकाबले के लिए अपने धुर विरोधी लेफ्ट और कांग्रेस से हाथ मिला सकती हैं। आपको बता दें कि राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी इस बार टीएमसी के खिलाफ मुकाबले में दिख रही है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में पहली बार बंगाल में 18 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी या टीएमसी के मुकाबले प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।